जिराफ दुनिया के सबसे विशिष्ट और उल्लेखनीय जानवरों में से एक है, जो अपनी लंबी गर्दन और पैरों, चित्तीदार कोट और कोमल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये शानदार जीव अफ्रीका के सवाना के मूल निवासी है और ग्रह पर सबसे लंबे स्तनधारी है। जिराफ के पास एक अद्वितीय कंकाल संरचना होती है, जो उन्हें गर्दन की हड्डियों के साथ बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति देती है, जो एक ही संरचना बनाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई है। इस लंबी गर्दन में केवल 7 कशेरुक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। यह संरचना जिराफों को 18 फीट लंबा तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे वे दुनिया के सबसे ऊंचे जमीनी जानवर बन जाते हैं। उनके धब्बेदार कोट भी काफी विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक जिराफ के पास एक अद्वितीय पैटर्न होता है, जो मानव फिंगरप्रिंट के रूप में अलग अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि ये धब्बे आसपास के पेड़ों और झाड़ियों के साथ मिलकर अपने प्राकृतिक आवासों में छलावरण के रूप में काम करते हैं। वे जिराफ के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि काले धब्बे गर्मी को अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के स्थान इसे प्रतिबिंबित करते हैं। जिराफ शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पेड़ों और झाड़ियों से पत्तियों, फूलों और फलों को खाते हैं। उनके पास एक लंबी और लचीली जीभ होती है, जो लंबाई में 45 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे वे पेड़ों की शाखाओं से पत्तियों और अन्य वनस्पतियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। अपनी विशाल ऊंचाई और प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद जिराफ कोमल प्राणी है और अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे सामाजिक जानवर हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें टावर के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों से लेकर कई दर्जन तक शामिल हो सकते हैं। जिराफ एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के स्वरों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिसमें स्नॉर्ट्स, ग्रंट्स और यहाँ तक कि एक पक्षी जैसी सीटी भी शामिल है। दुर्भाग्य से जिराफों को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार और अवैध शिकार शामिल है। जिराफों की वैश्विक आबादी में हाल के वर्षों में 40% से अधिक की गिरावट आई है और अब उन्हें प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति माना जाता है। अंत में, जिराफ वास्तव में उल्लेखनीय जीव है। उनकी विशाल ऊंचाई, अद्वितीय चित्तीदार कोट और कोमल आचरण के साथ ये शानदार जानवर अफ्रीका की समृद्ध वन्यजीव विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के आनंद के लिए उन्हें और उनके आवासों की रक्षा करें। जिराफ का गर्भकाल लगभग 15 महीने का होता है, जिसके बाद मादा एक बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा लगभग 100 से 150 पाउंड के वजन के साथ पैदा होता है और 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा होता है। यह जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही चलने में सक्षम हो जाती है और इसके तुरंत बाद स्तनपान करना शुरू कर देगी। जिराफ के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे कम नींद की आवश्यकता होती है, जो 24 घंटे की अवधि में केवल 20 मिनट के लिए सोता है। ऐसा माना जाता है कि शेरों और हाइना जैसे शिकारियों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है, जो वयस्क जिराफों और उनके बच्चों दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। जिराफ अपनी उत्कृष्ट दृष्टि के लिए भी जाने जाते हैं, जो उन्हें शिकारियों को बड़ी दूरी से देखने की अनुमति देता है। उनके पास सुनने की भी गहरी समझ होती है, जो उन्हें सोते समय भी खतरे का पता लगाने में मदद करती है। अंत में, जिराफ वास्तव में उल्लेखनीय प्राणी है, जो सुंदर होने के साथ साथ आकर्षक भी है। उनकी विशाल ऊंचाई, अद्वितीय चित्तीदार कोट और कोमल व्यवहार, उनके आकर्षक प्रेमालाप अनुष्ठानों और असाधारण इंद्रियों से ये शानदार जानवर प्राकृतिक दुनिया के एक सच्चे आश्चर्य है।